उत्तर प्रदेश में आज अंतिम दौर का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें 9 जिलों की 54 सीटों पर यहां चुनाव हो रहा है। 613 प्रत्याशियों का भाग्य मतदाता आज तय करेंगे। अगर बात की जाए 11 बजे तक किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो आजमगढ़ से शुरुआत करें, 20.12%, भदोही में 22.24%, चंदौली में 23.43%, गाजीपुर में 19.35%, जौनपुर में 21.84%, मऊ में 24.74%, मिर्जापुर में 23.41%, सोनभद्र में 19.68%, वाराणसी में 21.21%। अगर ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट जो है 21.55% की है। अभी तक सर्वाधिक मऊ में मतदान हुआ है, यहाँ 24.74% वोटिंग हुई है, और सबसे कम अगर देखी जाए तो गाजीपुर में 19.35%। आज अंतिम दौर का चुनाव है, सातवें चरण का चुनाव है, इसलिए बेहद खास है, और सबसे खास इसलिए भी है कि यहाँ पर वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहे हैं। दूसरी बात, आजमगढ़ में भी मतदान है, ये यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। अगर हम देखें तो आज ओम प्रकाश राजभर का भी भाग्य मतदाता तय करेंगे। ऐसे में लगातार सियासत तेज है कि कौन जीतेगा। फिलहाल कल आने वाली तस्वीरें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी। लगातार एक जनसैलाब वोट डालने के लिए अपने अपने घर युवाओं का जा रहा था, लेकिन क्या वो जनसैलाब ईवीएम में कैद हो पाएगा या नहीं, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार मतदान चल रहा है और 11 बजे तक 21.55% मतदान हो चुका है। अब देखना ही होगा कि ये मतदान किसके पक्ष में है, किसका भाग्य उदय करता है और किसका सूर्य अस्त करता है। फिलहाल अपने आप में बेहद खास है चुनाव आज का, क्योंकि यहाँ वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहीं यादव परिवार अखिलेश यादव के गढ़ में भी चुनाव हो रहा है। अब देखना ये होगा कौन किसके इलाके में सेंध मारता है और विजय पताका लहराता है। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर 1, तो देखते रहिए